अभी को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अशोक को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, तो सहारनपुर से भी गुंडों को बाहर भगाना है और डॉक्टर अजय सिंह को यह है सहारनपुर से बीजेपी विधायक राजीव गुंबर। भरी सभा में मंच से माननीय जी अतीक और अशरफ हत्याकांड को बीजेपी की उपलब्धि बता रहे हैं। प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में सरेआम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस हत्याकांड को लेकर ज्यूडिशियल कमीशन बना, SIT का गठन किया गया, जो न केवल इसकी जाँच कर रही है बल्कि आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। मतलब जिस घटना को किसने किया किसी को इसकी जानकारी नहीं। अब बीजेपी नेता उस बात का श्रेय लेकर वोट बटोरने में जुट गए हैं। बीजेपी की तरफ से जहां इस हत्याकांड पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, वहीं निकाय चुनाव के प्रचार का वक्त आते ही नेताओं के सुर बदलने लगे और अतीक अशरफ हत्याकांड को अपनी उपलब्धि की तरह जनता के बीच पहुंचाया जाने लगा। सहारनपुर से भाजपा के नगर विधायक राजीव गुंबर ने अतीक और अशरफ की हत्या को भी बीजेपी और योगी सरकार की उपलब्धि ही बता दिया है। अब बीजेपी विधायक का ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। अतीक को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अशरफ को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, तो सहारनपुर से भी गुंडों को बाहर भगाना है और डॉक्टर अजय सिंह को इसी के साथ यूपी सरकार में मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने भी मीडिया के सामने बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि जो लोग अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की CBI जांच की मांग कर रहे हैं, पहले उन्हीं की जांच होनी चाहिए। विपक्ष लगातार इसको लेकर बता रहा है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। मीना जी, जिन दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं की चर्चा आप कर रही हैं और जो लोग आज CBI जांच की मांग कर रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं कि जांच की मांग करने वालों की पहले CBI जांच करा ली जाए। किन लोगों के दल के द्वारा, किन परिवार के द्वारा उन माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया गया था, किस प्रकार एक व्यक्ति की निर्मम हत्या प्रयागराज के और जिन दलों के नेताओं ने उसको पाल रखा था, वही लोग आज CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की जांच से नहीं डरते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। उसकी रिपोर्ट विस्तृत आने के बाद व्यापक रूप से उस पर चर्चा की जाएगी। जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रूप में विश्वास रखता है। हम जाति धर्म पंथ के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। इस नाते हमने सब धर्मों के लोगों को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ 70 वार्डों में से हमने 66 वार्ड पर हम लड़ रहे हैं। हम 66 के 66 वार्ड पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे और हमारा मेयर में नगर निगम के जो प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह जी हैं उस पर भी हम बड़ी भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे। ऐसा है, कुछ वार्डों में जो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे उस निर्णय के आधार पर कुछ वार्डों का आरक्षण बदला है, तो आरक्षण बदला है तो वहाँ कुछ प्रत्याशी भी बदले हैं। लेकिन जो हमारे टिकट बदले गए हैं वहाँ जो लोग पहले लड़ना चाह रहे थे उन सब कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। कोई सभी कार्यकर्ताओं को मन बैठा कर, ये हमारे परिवार का मसला है, इस परिवार के मसले को हम परिवार में सुलझा लेंगे। जो विपक्षी लोग लड़ रहे हैं वो इस गलतफहमी में ना आए। इस नगर निगम की जनता को 2007 का इतिहास याद है। इस नगर निगम की जनता को उनके अब्बा ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र लोकसभा के अंदर भारत माता को डायन कहने का काम किया था।